दोस्तों हम सब डेली कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो नॉर्मली सिक्कों की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल कॉइन्स मिलियंस में बेचे जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे यूनिक और मूवेबल कॉइन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 9, फेस चेंजर। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके कॉइन्स पर किसी बादशाह या फिर लेजेंड की पिक्चर क्राफ्ट की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिक्का देखा है जिसमें बनाई गई पिक्चर को एक फोटो एडिटर की तरह सेकंड्स में चेंज किया जा सके? वेल, ये जो कॉइन आप देख रहे हैं इसे जबरदस्त टेक्निक से क्राफ्ट किया गया है। इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि ये किंग अपना फेस चेंज कर सकता है। इस कॉइन को साइड से रोल करने पर ये किंग 7 डिफरेंट फेसेस बदलता है। ये देखने में अनबिलीवेबल है। इसे डिजाइन करने वाले ने सच में कमाल कर दिखाया है। ये कॉइन रियली पीस ऑफ आर्ट है। नंबर 8, सोर्ड कॉइन। दोस्तों इस अमेजिंग कॉइन को बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर पर डिजाइन किया गया है। कॉइन की बैक साइड पर एक सोल्जर है जिसके म्यान में एक तलवार है। इस तलवार को ऐसे डिजाइन किया गया है कि म्यान से बाहर निकल आती है। इस टाइनी सोर्ड को बाहर निकाल कर कॉइन के ऊपर वाले हिस्से में डाला जाता है। ये तलवार एक सीक्रेट की का काम करती है। जैसे ही ये तलवार अंदर डाली जाती है तो ये सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। आर्टिस्ट ने ये सारा डिजाइन अपने हाथों से बनाया है और सच में इतनी स्मॉल क्राफ्टिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर इसका रिजल्ट सच में देखने लायक है। नंबर 7, ट्रैप कॉइन। दोस्तों ये जो हैंडमेड कॉइन आप देख रहे हैं ये एक ट्रैप बेस पर बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉइन देखने में ही काफी अनयूजुअल लगता है। साइज में तो ये नॉर्मल कॉइन की तरह है, लेकिन ये काफी मोटा होता है। स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्मॉल गोल्ड कॉइन फिक्स किया गया है। जब कोई इस गोल्ड कॉइन को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इस ट्रैप में फंस जाता है। इस ट्रैप को बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया है। देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि इसे प्रेस करने पर ऐसा कुछ होगा। प्लस इसमें लगाया गया गोल्ड कॉइन भी पीछे की तरफ चला जाता है और ये शार्प ट्रैप गोल्ड कॉइन को निकालने वाले को पकड़ लेता है। इसका डिजाइन सच में इंप्रेसिव है। नंबर 6, मूविंग आईज। दोस्तों ये जो $1 कॉइन आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लास में ये बिल्कुल नॉर्मल ओल्ड $1 कॉइन लगता है, लेकिन जब इसकी बैक साइड देखी जाए तो इसमें एक जर्मन आर्टिस्ट हेनरिच क्ले की पिक्चर ड्रॉ की गई है जिसमें वो एक आई मास्क पकड़कर बैठा हुआ है। वैसे तो ये डिजाइन भी बहुत ही अमेजिंग लगता है, लेकिन इम्प्रेसिव बात ये है कि इस मास्क में आईज भी बनाई गई है जो कि मिस्टीरियसली लेफ्ट राइट मूव करती है। इतने छोटे सिक्के पर ऐसा आर्ट दिखाना ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये कॉइन वाकई में कमाल है। नंबर 5, सीक्रेट डोर। दोस्तों इस $1 कॉइन की बैक साइड पर एक रोमन शहंशाह की तस्वीर बनी हुई है जिसके हाथ में एक तलवार है। इस सोर्ड के नीचे एक सीक्रेट डोर है जिसे खोलने का भी एक सीक्रेट तरीका है। आर्टिस्ट ने इस कॉइन को ऐसा डिजाइन किया है कि एक मिस्ट्री की तरह है और इस डोर के नीचे गोल्ड का खजाना है। सो इस डोर को ओपन करने के लिए इस म्यान से तलवार को बाहर निकालना पड़ता है। जैसे ही सोर्ड बाहर निकलती है तो ये सीक्रेट डोर खुल जाता है। आर्टिस्ट ने इसकी बैक साइड गोल्ड की बनाई है जिससे ये एक खजाने की तरह लगता है। इसके बाद जब तलवार म्यान में वापस डाली जाती है तो वो डोर दोबारा बंद हो जाता है। ये डिजाइन रियली इनक्रेडिबल है। ड्रैगन स्कल बनाया गया है। इस ड्रैगन स्कल को बहुत ही बारीकी से क्राफ्ट किया गया है और ये देखने में भी कमाल का लगता है। इस कॉइन को पीछे से ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब ऊपर से इस कॉइन को प्रेस किया जाता है तो इस ड्रैगन का मुंह खुल जाता है जिससे ये काफी स्केरी लगता है। इसका मूवेबल फेस और मैकेनिज्म बनाने वाले आर्टिस्ट ने बहुत ही स्ट्रगल की है। इसका सिस्टम ऐसा है कि पहले ड्रैगन स्कल से बाहर आता है और फिर इसका मुंह ओपन होता है। डिजाइनर ने इस तरह के सिर्फ 2 कॉइन्स बनाए हैं। इन दोनों कॉइन्स का डिजाइन एक दूसरे से थोड़ा सा
डिफरेंट है पर मैकेनिज्म बिल्कुल ही सेम है, ये रियली पीस ऑफ आर्ट है। नंबर 3 स्केरी इंसेक्ट। दोस्तों ये जो अमेजिंग कॉइन आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड पर एक स्केरी और मॉन्स्टर बग बनाई गई है। इसका स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया है। इस कॉइन में सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब कॉइन के टॉप से मेटल को प्रेस किया जाता है तो इस बग के विंग्स खुल जाते हैं और नीचे मौजूद गोल्ड डिजाइन नजर आता है। कॉइन के टॉप को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो बटन नजर तक नहीं आता, लेकिन इस टाइनी एज को जैसे ही दबाया जाता है तो इंसेक्ट के विंग्स परफेक्टली ओपन हो जाते हैं। ये कॉइन वाकई में कमाल का है। नंबर 2 फ्रेम कॉइन। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग कॉइन की बैक साइड पर एक फ्रेम बनाई गई है। ये फ्रेम बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इस फ्रेम में से स्टील से बनी पिक्चर बाहर भी निकाली जा सकती है। कॉइन के टॉप पर एक बटन बना हुआ है जिसे प्रेस करने पर ये पिक्चर रिलीज हो जाती है और इसे बाहर निकाल कर आप लॉकेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये अमेजिंग कॉइन भी रोमांटिक फ्रेम पर मुश्तमिल है और ये फ्रेम भी ऊपर लगे बटन की मदद से ओपन की जा सकती है। इन कॉइन्स का डिजाइन रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 1 किंग। दोस्तों ये एक ओल्ड $1 कॉइन है जिसे क्राफ्ट करके एक जबरदस्त मिनी ट्रैप में बदला गया है। इस कॉइन के दरमियान में एक किंग का मुजस्मा बनाया गया है। ये किंग का मुजस्मा गोल्ड से बना हुआ है तो इसे कोई भी चोरी कर सकता है, इसीलिए इसमें एक सेफ्टी ट्रैप बना हुआ है। जैसे ही कोई इस गोल्ड ट्रेजर को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है तो ये ट्रैप ओपन हो जाता है। रियली इतना छोटा और परफेक्ट मैकेनिज्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आर्टिस्ट ने इस कॉइन के हर स्ट्रक्चर को अलग-अलग डिजाइन किया है और फिर इन्हें कंबाइन करके एक कॉइन बना दिया है। इस ट्रैप को दोबारा हाइड करने के लिए कॉइन के साइड पर एक बटन भी नस्ब किया गया है जिससे ये दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।